चर्चा। सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम चर्चा दे विच तुहाडा स्वागत। पहले दर्शकों, ये गल बिल्कुल स्पष्ट है कि नशे पंजाब दा खेड़ा नहीं छड़ रहे, और समय समय ते एक गल उठती आ रही है कि जे यह सिंथेटिक नशिया तो खेड़ा छुड़ाउणा है तां तुसीं पोस्त की खेती वालों आ जाओ, अफीम वालों आ जाओ, क्योंकि साडा प्रवानित नशा है पंजाब दे विच सदियां तो यह वरतिया जा रहा है। घट्टो घट्ट सिंथेटिक नशिया वांग यह नशा बंदे नूं खत्म नहीं करता, बल्कि बहुत सारे लोग यह समझते हैं यह सेहत लई ठीक है, उमर बढ़ाता है, यह बीपी ठीक करता है। इस तरह के लोगों के विच जिहड़ी है भावना है अफीम बारे, और दूजे पासे इहनूं लगातार यह समय समय से मंग उठती भी रही है। जिवें पहला डॉक्टर धर्मवीर गांधी जिहड़े लोग सभा के मैंबर रहे ने आम आदमी पार्टी वालों पटियाले तो, उन्होंने यह मसला उठाया सी, और कई उन्होंने समागम भी किए, प्रोग्राम भी हुए, मंग भी की। उस तो बाद नवजोत कौर सिद्धू ने भी इहदे हक च आवाज उठाई, पर समय समय से गल हुंदी रही। लेकिन अज चर्चा इस करके कर रहे हैं कि कल जो विधानसभा च सनौर दे एमएलए हरमीत सिंह पठान माजरा ने गल कही सी कि यह जिहड़ा नशे जे पंजाब चो खत्म करने ने तां सानू पोस्ट दी खेती वल बदलना चाहिए है। की पंजाब सरकार सोच रही है? जीरो ओवर च पुछया सी एमएलए हरमीत सिंह पठान माजरा ने, ते जवाब दिता सी खेती मंत्री गुरबीर सिंह खुड़िया ने कि नहीं, अजिहा कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन गल इत्थे खत्म नहीं हुई, होर भी कई एमएलए ने उन्होंने दिता। मनजीत सिंह बिलासपुर ने इस दे हक दे विच कहा कि सदियां तो प्रवानित नशा है, अधरंग दे विच काम आउंदा, इस तरह दी उन्होंने तर्क दिता। डॉक्टर चार कहना सी कि कोई माहरां दी कमेटी बना लो, पुछ लो कि यह नशा जे पोस्ट दी खेती जिहड़ी है हो सकदी है। वैसे बहुत सारे देशां दे विच यह जिहड़ा है अफीम का कारोबार पोस्ट की खेती होंगी है। दुनिया के सब तो ज्यादा यह कारोबार चाहे खेती म्यांमार च होंगी है, नंबर दो ते अफगानिस्तान, पंजाब दे विच भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी दे विच लोगों नूं लसेंस दिते हुए ने खेती करन दे। मध्य प्रदेश दे विच 54,500, राजस्थान च 47,000, यूपी च 10,000 लोग जां किसान खेती करदे ने। अगले तीन साल इन्हां दी गिनती वधाई जा रही है, 1,45,000 लसेंस जारी होने ने, ते तर्क इह वी दित्ता जांदा कि जे इन्ने लसेंस पंजाब दे किसानां नूं वी इह खेती करन दी आग्या जिहड़ी है इह दे देनी चाहीदी है, लसेंस दे देना चाहीदा, किसानां नूं फायदा होएगा। इह विवाद है, इहदे च कोई इहदे हक च है, कोई कहिंदा है हुण नशेड़ी ने फिर अमली बनाउणे ने, इस किस्म दी गल लगातार साडे जिहड़ी है इस विवाद दे विच चल रही है, कोई हक च ते कोई विरोध च, ते इहते चर्चा होनी बनदी है। इहदे ते मेरा ख्याल है कि सानू कोई ना कोई नतीजे ते पहुंचना जरूर चाहिए। घट्टो घट्ट जे नशे खत्म कर च अफीम का कोई योगदान हो सकता है जिवें कहा गया है, तो अफीम भी एक नशा है, यह भी तो बनना पएगा। नशा तो शराब भी है, जिन कोई नशे नहीं बनता, नशा ता नहीं बनता कि उत्थे पैसा बहुत आउंदा सरकारां नूं, बहुत कुछ है जिसे चर्चा कर सकती है, उसे चर्चा असीं कर लिया है। तो चर्चा करने जिहड़े साडे नाल मेहमान जुड़े ने उन्होंने डॉक्टर दलेर सिंह रहे ने, और क्योंकि सारी उम्र उन्होंने सरकारी जिहड़े डॉक्टर के तौर पर सेवा निभाई है, लगातार इस मामले नाल बा वास्ता रहे ने, उह साडे नाल शामिल होंगे। श्रोमणी अकाली दल सतंत्र तो सरदार परम सिंह सहोली साहब ने कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे ने, जिहड़े कल बिल्कुल विधानसभा च कोई उन्होंने गल ही की कांग्रेस ने, ना इधर ना उधर, ना ही अकाली बोले ना ही कांग्रेसी बोले, तो कांग्रेसी पार्टी की जिहड़ी नुमाइंदगी कर रहे नरेंद्र सिंह संधू साहब साढ़े नाल ने, और भारतीय जनता पार्टी तो अजीब घटना इस प्रोग्राम शामिल ने। तुहाडा सब का बहुत बहुत स्वागत। गल तुहाडे तो मुल्तानी साहब करदे आ, डॉक्टर दलेर सिंह मुल्तानी जी, किवें लगता है कि डॉक्टर धर्मवीर गांधी की मेरी कोशिश ही आ जाते दोनों की, क्योंकि वह हक च बोल रहे हैं, तो मैं थोड़ा जो पक्ष नहीं पता, पर साडे दर्शकों को जरूर पता लगेगा जो हम तुम दसोगे कि अफीम या पोस्ट की खेती वालों जाना चाहिए या नहीं।
डॉक्टर मुल्तानी। वाले और सारे को पैनल जोड़े है सारे नु सत श्री अकाल। मेरे वालों वाले साहब जोड़ा है मैं शुरू च दस दवा कि जिस तरह तुम डॉक्टर धर्मवीर गांधी का नाम लिया वो बड़े सत्कारयोग ने साडे वास्ते, क्योंकि जो मेरे तो उम्र चार मैं ज्वाइन की सी ते असि इको एक डॉक्टर सीगा जिसकी आप इज्जत करते सी। लेकिन इस वक्त मैं ये गल कह सकता कि इको एक डॉक्टर है जिसकी मैं रज के उसकी विरोधता करना इस मुद्दे उत्ते खास करके जोड़ा है, क्योंकि उसका कारण यह है कि जदों नशियां का मुद्दा जोड़ा है वह स्टार्ट होया तकरीबन 2000 के आसे पासे ज्यादा स्टार्ट होया सीगा। उसके भी मैं तुम्हें रीजन दसूंगा, लेकिन यदा ज्यादा रौला जोड़ा है वह 2014 के आसे पासे आके पाया जदों कोई लोग सभा की इलैक्शन जी है एक पार्टी हारी और उस पार्टी के विरुद्ध जोड़ा है वह इल्जाम लगाए गए कि नशे जोड़े ने इन्होंने फैलाए ने। सो इस तरह का माहौल जोड़ा है वह पंजाब 2014 तो बाद बनया। और मैं रिपीटडली एक वर्ड जोड़े है ने बार बार एक गल कह देव कि बहुत सारे लोग जोड़े है सिर्फ ते सिर्फ जी एक फिजिकल डैथ होंगी है जिड़िया के नशे नाल जो अंकड़े दसे गए ने उस तो कितने ज्यादा घट ने। कई ने 33 लाख भी मैं मीडिया से सुनता आया, 3 लाख भी सुनता आया, तो कई हजारों के हिसाब नाल लोग जी गल करते हैं, लेकिन असल च जोड़े है वो इनिया डैथ फिजिकल डैथ नहीं है। लेकिन मैं एक वर्ड जरूर हमेशा यूज किया कि पंजाब की चौथी मौत, यह आर्टिकल मेरे वालों बार बार लिखा गया, बोलिया गया, लोगों के नाल डिस्कस भी किया गया। तो बहुत सारे लोग यह कहते हैं डॉक्टर मुल्तानी मौत तो एक ही बहुत होंगी है, तो चार मौतों की गल्ला जी है वो किवें करना है। सब तो पहली मौत मैं हमेशा एक गल कही है वह कि पंजाब नूं पता है, मैनू भी पता है कि पंजाब नूं नशई कह दिता गया है और इसनूं सोशल डैथ कहने आप। दूसरी डैथ होंगी है कि जो तुम तुहाडी सोशल डैथ हो जाती है उहदे नाल तुहानूं जिहड़ा है वह काम जिहड़ा है वह घट दिता जाता है। जिवें आपां कहिंदे आ कि इहदा देखण नूं नशेई लगदा यार छड्ड परे, जां इहने नशा कीता होणा छड्ड परे, इसनूं की काम देना, उहनूं लोकी लेबर भी देण नूं तैयार नहीं हुंदे। उहनूं असीं कहिंदे आ कि इह उस बंदे दी प्रोफैशनल डैथ हो गई है। जे बंदे दी सोशल एंड प्रोफैशनल डैथ हो जाती है तो तीसरी डैथ जिहड़ी हैगी है वह डैथ हुंदी है जदों वह फाइनैशियल डैथ हुंदी है, वित्तीय डैथ हो जाती है, क्योंकि उहनूं काम भी नहीं मिलिया ते उन्हों को नेड़े भी नहीं लगन दे रहा, तो उसनों असी कहने कि उसकी फाइनैशियल डैथ है। जिड़िया कि 3 डैथ्स के पंजाब जिहड़ा हैगा वह लगातार इनवॉल्व रहा। और उसका वड्डा कारण यह है कि मैं हूँ बार बार चौथी जिहड़ी मौत जिहड़ी मैं गल कर रहा सीगा कि वह फिजिकल डैथ हुंदी है, वह तो हर एक ते आउणी है, उहदे बारे कोई बहुत ही ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं हुंदी, क्योंकि वह तो डैथ जिहड़ी हैगी वह सामने हो चुकी हुंदी है। लेकिन यह सियाणप यह कहिंदी हुंदी है कि मौत तो पहला तुसी किदां दी जिंदगी जी है, जां मौत तो पहला तुसी जिहड़ी हैगी है उस मौत नूं किवें बचाया, वह मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जिहड़ा हैगा वह हुंदा है। और वालिया साहब बड़ी दुख वाली गल है कि कल मैं तो निंदन योग भी कहांगा कि विधानसभा दे विच एक सत्कारयोग मैंबर वालों ये मुद्दा उठाया गया, जदों कि उन्होंने जिहड़ा तर्क दिता है वह बिल्कुल ही किसी भी तरह जिहड़ा हैगा वह पंजाब दे विच जायज़ नहीं है। उन्होंने तर्क दिता कि इहदे नाल पंजाब की खेती नूं लाभ होएगा, पंजाब का पानी बच जाएगा, पंजाब की नौजवानी बच जाएगी, जदों कि उन्होंने इस गल का नहीं पता कि जिथे ये खेती हुंदी रही है उहदे च सब तो ज्यादा मन्निया गया कि वह अफगानिस्तान दे विच 60 तो 70% तक जिहड़ी हैगी 80% तक भी मानदे आ कि जिहड़ा सारे वर्ल्ड च नशा चलता वह उत्थे उगदा है। और उत्थे दी सरकार जिहड़ी हैगी है तालिबान सरकार जिहनूं बहुत माड़ी सरकार कागजां च लोग कहिंदे आ, उन्होंने फीम दे सारे जिहड़े हैगे आ वह दरख्त पट के जिहड़े पौधे पट के ते पासे कर दित्ते आ और पंजाब जिहड़ा उसकी खेती की मांग कर रहा है। और उस तो भी एक होर वड्डी जिहड़ी गल हैगी है, मैं उस गल करन तो पहला मैं सरदार गुरमीत सिंह खुड़िया जिहड़े एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने उन्होंने मुबारकबाद देना चाहवांगा कि उन्होंने इस गल दे उत्ते कोरी ना जिहड़ी हैगी है वह कर दित्ती है। और वाले साहब के ये लोग जिहड़े चिट्टा चिट्टा का रौला पाते हैं उन्होंने इस गल का भी नहीं पता कि चिट्टा जिहड़ा हैगा बेसिकली वह अफीम ही है, जिहड़ी अफीम हुंदी है उहदे च मारफीन कढ़ी जांदी है, मारफीन दे नाल एक को मॉलीक्यूल होर बायोलॉजिकल अटैच कर लिया जाता है, उस अटैच मॉलीक्यूल नूं आपां जदों बन जांदा उसनूं हीरोइन कहिंदे आ, ते हीरोइन जिहड़ी हैगी है उसनूं हिमाचल दे विच चिट्टा कहिंदे आ, इस करके उहदा नाम चिट्टा हैगा। और लोकी कहिंदे आ कि खेती करनी है अफीम दी ते चिट्टा असीं विकण नहीं देना, आ आ इह हालात ने अज दी डेट च। डॉक्टर साहब डॉक्टर मुल्तानी ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ,
सच्ची गल है लोग जिवें सुनते ने यह लोग अगे करी जाते हैं तर्क के आधार पर जी गल शायद नहीं करते पर जरा सदिया तो प्रमाणित नशा है यह तो गल मनी पेगी। सीनियर पत्रकार महेश शर्मा भी जुड़े ने लेकिन मैं उन्होंने को बात चाहना पहला कांग्रेस पार्टी का जरा पक्ष लीए कांग्रेस पार्टी इस किस तरीके देखती है संधु साहब वालिया जी डॉक्टर साहब ने डॉक्टर मुल्तानी ने बहुत सूझबूझ से बड़ी सियाणप नाले जी सारी गल समझाई मैं बिल्कुल इस गल का समर्थन देखो मैं नहीं आस करता सी भी हरमीत सिंह पठान माजरा एक MLA होके ऐसी गल विधानसभा करूंगा और ताईद मनजीत सिंह बिलासपुरा MLA करूंगा और बड़े विस्तार न दस के भी साढ़े जो बजुर्ग आ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਡੋਡੇ ਜਾਂ ਕੁੱਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਰੋਬਦਾਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੱਸੇ ਡੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐ ਫੜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ 56 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ पर एक MLA का विधानसभा च ऐसी गल करनी और मैं वाकई शाबाश कहूंगा खुडिया जी जिन्होंने उसके वेले नकार दिता मैनू लगता है ना वोटिंग राउंड करा लेनी चाहिए मैनू लगता भी ये दो MLA तो अलावा किसी बंद ने इस चीज की सपोर्ट नहीं करनी यह तो अज सरेआम क्लीयर हो गया कल भी ये सरकार नशे को सपोर्ट कर रही है बी कल फिर कहो जेलों के भी जो अमली बैठे उन्होंने फीम से भुक्की देती जाए कल कहो जी सिगरटा बंद कर दो बीड़िया चंगिया ने बीड़िया दे दो बीड़िया का कोई नुकसान नहीं कर तुम कहो भंग के ठेके खोल दो भंग लोगों को पियाओ लोग झूमते फिर नहीं नहीं वाली जी गलत गल है अफगानिस्तान की तुम गल की बड़ी सियानी गल की मुल्तानी जी ने अफगानिस्तान की मैं पांच चार डॉक्यूमेंट्रीज वेखिया उन्होंने उत्थे बंद कराई जा रहे हैं जिहड़ा अद्धा उन्होंने मुल्क है वह नशई होया पिया वह कई बेचारे सुनते दरख्तों थले कई जाके पुलों थले सुनते हैं बुरे हाल है उस मुल्क के नशे ने उस देश का बेड़ा गर्क करता तो कि सोहनी गल समझाई भी जिन्हों तुसी सारे चिट्टा चिट्टा कहें जे ये साढ़े वेल नहीं ये 2014 तो आया कि सरकार से मैं बार बार नहीं गल कहनी चाहता वह पता से अकालिया ने सारे गंद इस लैके आता ठीक से पहले नशे आम चलते कोई शक नहीं पिंड हूँ भी चलते पर चिट्टे ने साडी नौजवान पीढ़ी बर्बाद की पर अज डॉक्टर साहब ने गल दसी भी यह चिट्टा बनता कि तो यह अफीम तो ही बनता है वालिया जी ये कंट्रोल कर दे देखो ये जेलों के मोबाइल से मोबाइल जान दिया नशे जान दिया 70-70, 50-50 रोज के मोबाइल फटते गल इन्होंने की कोई तरक्की की गल नहीं की लास्ट वालिया जी मैनू लगता भी अज जे पंजाब के अमृतधारी सिंह हो साडे जे जथेदार हो गए अकाल तख्त वह की सोचते हो गए भी साडे किस तरह की सरकार बनाती नशा भंग ठेके खुले ने उश्रैंड देख रहे उन्होंने क्यों उन्होंने नुकसान नहीं सानू नुकसान है शराब भी नशा है उसके भी ठेके खुले ने यह भी तर्क दिता जाता है लेकिन जी गल की है अकालिया की चलो भावे श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी अकाली दल स्वतंत्र के प्रधान साढ़े नाल ने भगत सिंह सोनी की कहोगे सोनी साहब वालिया साहब सारे पहला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दूसरा जो अज का यह गंभीर मुद्दा है जो कि कल विधानसभा च गूंजया है मैनू यह लगता है भी असी पंजाब नू जिहड़े लोग प्यार करदे आ उहनां नू खुल के दलील नाल गल करनी चाहिए लोग आपां नू सुन रहे ने आपां जे गोल मोल गल्लां करांगे भी उहने क्यों उठाता उहने क्यों आ करता गल नहीं बननी पर मेरे कहण तो भाव यह जिन्ना कि असी विचरदे आ इह लोकां दा जो आ नामराद बीमारी नशे बाहरों आ रहा कि मैनू नहीं पता है कि मैं यह लाइन डॉक्टरी लाइन च नहीं हैगा तां डॉक्टर मुल्तानी जी दस सकदे ने की कुछ रलता की हो रहा है जिसे करके सत्थर के सत्थर बिछ रहे ने बर्बाद हो रहे ने गोलियां जे कि भी किसी को माफ करे मैं साढ़े कामे भरा जे कि भी किसी ने कामे ने यह सर्वे करा लो उन्न पता लग जूगा भी वह सवेरे बेचारे गोली खाते बिना कम से नहीं चल सकते पहला यही हालात सी कि लोग
जो नशा फीम भुक्की मेटो पहला दी गल ने इतने भी शराब हमते भी ठेके जी जिन्हें नहीं खानी एक कोई मूह च नहीं पाता हम शराब के ठेके खुल गए सरकार कहती है तो सानू रेवन्यू आ असि जे गुरु के लड़ लगे हाँ आम लोग भी कई कई धर्म चाहे जो लोग टच भी नहीं करते साढ़े घर घर आके बन के डरते हैं जी इस तरह जेड़ा इतने आ हालात पैदा हुए हुए ने ना जी कोई कोई गड्डिया मारता कोई होर कहते जाए पता करो तो उन्होंने नशा करे जी नशा ज्यादातर आही है जिन्होंने ड्रग संथेटिक कहने ये करके दुकाना ज्यादातर फड़ी यही जा रही ने इतने गोलियां बिकदिया ने यह सिस्टम करके एना कोई ना कोई राह कहना चाहिए कोई माड़ी गल नहीं कोई जरूरी है भी अपने कोई मूह च पा दूगा अपने आप देखना भी साड़ी सेहत लिए ठीक है या हानिकारक है दवाइया च भी जो असं सुनते हैं सीधी साधी गल करिए दवाइया च भी जेडे जोड़ा की दवाई है चीजा पा के पेन किलर बनती है जी ये हम डॉक्टर साहब को पता है कि बनती है नहीं बनती इस हालात पहला अज भी पुराने बंद ने तुम कार्ड देख सकते हो हस्पताल च बने हुए उन्होंने होंदा सी भी इन्ने इन्ने स्टाक इन्ने देंदे सी उह कार्ड जाके लै आउंदे उत्थों कहिंदे सारे ने बनवा ले जी इस करके मैं ये चीज कहना कि इन्हें सियासत करने की बजाय राह कढ़ना चाहिए कि सरकार सोहली साहब इतों तक एक मंत्री का कार्ड भी बनया हुआ सी जिहड़ी गल तुसी कह रहे हो ना पंजाब दे विच ठेके भी होंदे सी ज्ञानी जैल सिंह दे बाद वेले ठेके बंद होए ने और लोगों के जिहड़े जिन्होंने अफीम ची कह दिंदे सी नेगेटिव भाषा दे विच उन्होंने कार्ड बने से एक मंत्री का भी कार्ड हों महीने का कोटा मिलता से खैर आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लीए फिर अगे वधदे आ राजीव कटानी जी की कहोगे राजीव कतना जी मेरा राजीव कतना कतना हाँ जी कतना जी पहला सब नमस्कार जी सत श्री अकाल गल इस तरह जी जो कल विधानसभा च होया एक आम आदमी पार्टी के MLA वालों जो ये कहा गया मैं सब इतों पता लगता है जी आम आदमी पार्टी की सरकार आ लोगों प्रति कि गंभीर आ ना तो सनौर तो MLA पठा अपना पठान माजरा साहब कोई मैडिकल एक्सपर्ट ने ना को इन्हों सेहत दिया सेवा बारे कुछ पता है ये इवेंट बनाते हैं लोगों का ध्यान भड़काने वास्ते सरकार आई सी भी नशा असी खत्म करांगे नशा बहुत वधिया होया है नशा खत्म करांगे लेकिन तुसी देखिया पहले इन्होंने शराब नूं प्रमोट किया शराब असी सस्ती कर रहे हैं शराब नूं प्रमोट किया हुण लोगों का ध्यान भड़काने वास्ते जो दो दिन पहला विधानसभा च की होया है एक नवी बैच शुरू करने वास्ते कल ये गल हो गई भी आप जिहड़ी ये खेती की जाए मैं समझदा डॉक्टर मुल्तानी जी बहुत समझदार ने मैं कोविड के विच भी इन्हां नूं बहुत सुनदा रहा नशा तो नशा है नाले एक गल दसो जिहड़ा कोई नशा है सरकार उसकी इजाज दिंदी है जे पहलियां सरकारां ने उसनूं बंद किया है वह कोई एक्सपर्ट्स बैठे होणगे तजर्बेकार लोग बैठे होणगे उन्होंने वेख के उन्होंने बंद किया है सरकार लोगों के काम करने की बजाय उत्थे गंभीर नहीं होंदी पुठे पुठे इवेंट बना के लोगों का ध्यान भड़काने के वास्ते अज कहणगे अफीम की खेती कर लो कल कहणगे देसी शराब नूं बढ़ावा दे दिओ ये कोई ना कोई नवीं गल्लां करके ये बिल्कुल संसीयर नहीं है ना यह सरकार जिहड़ी है यह गंभीर है लोगों प्रति ना MLA लोगों प्रति गंभीर ने यह नवीं नवीं कढ़ा कढ़ के नवीं नवीं गल्लां करके लोगों का ध्यान भड़काना चाहते हैं मैं समझता जिस तरह हम दसगुरु साहब दस रहे सी मैं नहीं समझता मैं पिछले साढ़े किसी ने घर किसी ने अफीम खाधी हो किसी ने कोई ऐसा नशा किया हो पहला लोग ही सी काम थोड़े सी अठ अठ दस दस मैंबर से काम घर के कोई दो मिनट वेला भी बैठा रहा दूसरे ने काम कर लिया नशा खा के बैठा रहा तो बैठा रहा लेकिन जिस तरह साडा देश साडा पंजाब तरक्की कर रहा है हुण असीं नशे वाल थोड़ी तुरना है अज सानू नशे की जरूरत नहीं है सानू काम कार जरूरत है घ्यो खाने की जरूरत है अपने आप को सेहतमंद होने की जरूरत है मैं समझदा तुम समझते हो अगर साढ़े प्लेयर कल इस तरह का नशा करके जाएंगे कि उन्होंने दुनिया भर के खेड सकेंगे कि वह कोई खेड खेड सकेंगे
असि की नौजवानों नूं सेध दे रहे हैं भी तुसीं इह नशा कर लो, ये कर लो। आपां नूं इस गल दा पता है भी यह नशा जिहड़ा है उत्थों जिहड़ी क्लीयरेंस हुंदी है, ड्रग्स की क्लीयरेंस हुंदी है खेडण वास्ते खिलाड़ियों वास्ते हो सकेगी। इस करके मैं समझदा यह जिहड़ी सरकार है इहदे एमएलए ने यह पंजाब प्रति किन्ने गंभीर ने इन्हां गल्लां तों पता लगता है। रजीव जी थोड़ा तर्क है कि क्योंकि चाहे नशा अफीम का हो जो डोप टेस्ट होगा उस भी इन्हें आ जाए, डॉक्टर मुल्तानी दस सकेंगे, बाकी तो क्योंकि मेडिकल एंगल तो उन्होंने को भी पता करा आप, लेकिन लोगों के मन च की होंगे ये पत्रकार ने देखना होंगे। साढ़े नाल एक सीनियर पत्रकार ने ट्रिब्यून के शामिल ने महेश शर्मा जी। शर्मा जी किवें देखते हो मसले नूं? हल तां काफी हद तक कंकलूड होने वाल जा ही रही है। यह भी गल सही है भी मैं अपने विचार तो देनी देने ने, मैं जो लोगों तो ग्रहण किया वो गल करते हैं, लेकिन उस तो पहला मैं तुहानूं यह दसदा कि भी जिहड़ा यह साडा मनुखी शरीर है यह मूंह की जिहड़ी चीज अंदर जाती है साडे एलीमेंट्री कनाल लगी हुई है, इन डाइजेस्टिव सिस्टम कहने असं डाइजेस्टिव सिस्टम। डॉक्टर साहब मेरे नाल सहमत होंगे, परमात्मा ने सानू न्यूट्रीशन लैण वास्ते जिहड़ियां चीजां डाइजेस्ट नहीं हो सकदियां उन्हां नूं डाइजेस्ट करके अंदर खून च लिजाण वास्ते रस्ता दिता है। गुजारिश थोनू यह है भी मतलब भी जिहड़े बंदे मदई बंदे जां किसी भी होर नशे दे उन्हां नूं यह पुछियो जरा यह मतलब भी की यह कोई एनर्जी दिंदा है, कि इहदे च कोई इहनूं डाइजेस्ट करन वास्ते एंजाइम बनिया होया जां इह आप कोई हारमोन पैदा करदे आ, ते किहड़े आपां तों पहलां मनुखी जामे दे विच जिहड़े जंतू ने उदू पहलां किहड़े जंतू ने अज तक इह जिहड़ी फीम खाण दी जां लभण दी जां उसनूं अपने जिउंदे रहण वास्ते इसनूं मतलब भी अडोप्ट कीता। इस करके मतलब मैं कैटागरीकली आउटराइटली मतलब इस चीज नूं कंडेम करदा कि भी इहदा जिहड़ा मुद्दा ही नहीं बनना चाहीदा भी इह अफीम भी इह इक एटीट्यूड है। पहला गल चली है कि जिहड़ा नशा है इह साडा एटीट्यूडल कमजोरी है, असीं अपनी कमजोरी छुपाउण वास्ते किसे ना किसे चीज दे विच उस नूं लभदे आ। ते जिहड़ियां गल्लां इह मैं तारीफ करदा डॉक्टर साहब दी, इहनां ने देखो उहनां ने इक गल पिछे ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੀਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਲਜੈਸਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਡੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਪਨੋਟਿਕ ਹੈ, और यह कला ही सीडेटिव नहीं है, कला ही हिपनोटिक नहीं है, साडे कोल होर बड़े साधन ने। यह नॉर्मल बॉडी वास्ते नहीं जिहड़ी साडी किसी भी किसी वास्ते इसकी सानू जरूरत नहीं ना अफीम। पक्ष उन्हां दा आ गया लेकिन शायद उन्हां दी कोई प्रॉब्लम नेट दी आ गई, लेकिन एक गल बड़ी क्लीयर हो रही है जो मैं देख रही हैं, पठान बाजरा ने नशे का मुद्दा तो उठाया लेकिन तर्क जड़ा है वो नहीं दे सके। हाँ एक गल जरूर है जो चरणजीत ने कहा, क्यों ना ये महाराज की कमेटी बना के जो कोई गल करनी भी है वो तो यह गल अगे बधाई जा सकती है, वो दसने ठीक है नहीं। मैं अज कोशिश की जिवें डॉक्टर धर्मवीर गांधी की गल बार बार हो रही है क्योंकि उन्होंने बड़े जोरदार ढंग नाल इहदे हक दे विच आवाज उठाई सी। इस करके यह गल जो मैं ये गल देखा कि वह नहीं आ रहे तो मैं यह सोचा भी चलो एक पक्ष तो लीए जो आते तो दूजा पक्ष भी साढ़े सामने आ जाता। मुल्तानी साहब अज कोई मैं प्रोग्राम साड़ी जी चेंज कर दी है इस करके मैं थोड़ी जल्दी जल्दी च है तो मैनू नहीं पहला पता सी कि साढ़े कोई समय की इन्नी सीमा होगी क्योंकि साड़ा प्रोग्राम अदरवाइज तक जोड़ा है 40-45 मिनट का होंगे, अज साडी कोई ऐसी सीमा आ गई सानू कोई जरूरत पैगी कि असी टाइम शॉर्ट कर रहे हैं, पर मैं चाहना जरूर है कि जाते हुए साढ़े दर्शकों के मन च जो सवाल ने उन्होंने जवाब असी जरूर देंगे। जदों तुसी ये गल करदे हो डॉक्टर मुल्तानी तो जिहड़े देशों ने जिवें शराब के ठेके ने कनेडा च तो मैं देखिया भी नेड़े नेड़े ठेके ने
एक पासे जे होटल है ना दूजे पासे ठेका है ते उहदे च कोई जिहड़ी मर्जी फॉर्म च लो तुसी उहनूं स्प्रे दे फॉर्म च लै लो भंग नूं उहदी तुसी गोलियां लै लो टॉफियां वांगू चूसण वाली लै लो ओह क्यों है ओह किहड़ा तर्क दे के अपने लोकां नूं भंग भागी बनाउणा चाहुंदे ने फिर इह देश इह की चीज़ है वालिया साहब सब तो पहला तो आपां नूं डिफरेंशिएट करना हुंदा है कि जिहड़ा हैगा इह नशा ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੂ ਆ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਉਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ 2 ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਡਿਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਲੇਕਿਨ एक सोशल ईवल भी है सोशली एक्सेप्टेड ईवल है और दूसरा यह है कि इसकी अडिक्शन कंपैरेटिवली दूजे नशे के मुकाबले कंपैरेटिवली अडिक्शन बहुत घट होंदी है और इस करके इस नू सोशली एक्सेप्टेड ईवल जिहड़ा है वह मान लिया गया दूसरा है कि जिहड़ा अडिक्टिव है जां शराब का भी जिहड़ा अडिक्टिव होगा अल्कोहलिक जिहनू आपां कहांगे वह बेसिकली वह होंदा जिहड़ा सवेरे ही शराब पीना शुरू कर दिंदा है ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਕੈਪਸੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮ ਖਵਾ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਮਾਡੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹੋ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੌਂਗ ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੇ ਸੀਗੇ ਫੀਮ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਖਾਤੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈਗਾ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਧੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀਓ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਜੂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬੀਜਨੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਡੇ ਹੋਣ ਪੋਸਟ ਹੋਣ ਭੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਹੋਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ
मैं पंजाब बहुत सारे थावां ते नौकरी की है, पर मैनू यह गल का पता है कि यह जिहड़ा ट्रेडिशनल नशा भी सीगा जिहनू असीं मान के चलदे आ कि इह 3 स्टेजेस दे विच हैगा। मैं अपने सारे कोपलनेस दे नाल भी शेयर कर लवां कि नशा जिहड़ा हैगा इह 1980 तो पहला असीं मान के चलदे सीगे कि इह ट्रेडिशनल नशे हैगे ने जां ऑर्गेनिक नशे जां जिहनू असीं रवायती नशे जदों आपां भुक्की फिल्म दीआं गल्लां करदे आ लोक यूज करदे सी। लेकिन मालवा जिहड़ा हैगा उहदा तुसीं आई एम सॉरी कि उहनां दा जिहड़ा स्टेटस देखना सीगा मैंटल स्टेटस उहनां दे बच्चिआं दा कोई देखना सीगा। मैं कल किसी टीवी ते सीगा मैं जदों उदों बोलिया मैं कहा भी इह गल तां ठीक हैगी है कि आपां इल्जाम नहीं इह सच्ची गल हैगी है कि पुलिस डॉक्टर ते पॉलिटिशियन इह सारे रले होए ने इस नशे नूं वेचण वास्ते वड्डा धंधा बनाया होया इहनां तिन्नां ने बनाया होया रल मिल के। लेकिन जिहड़े किसान जिहड़े हैगे डॉक्टर मुल्तान दी जिहड़ी गल तुहाडे कोल बहुत कीमती गल्लां ने ते जिहड़ी गल तुसीं कीती है इह जिहड़ा इक खास किस्म दा नैक्सस बणिया होया है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਕੱਟੀਏ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੰਗ ਪੀਣਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ एक बार फिर सदा देवे और असी कोशिश करा डॉक्टर धर्मवीर गांधी भी लेके आईए ताकि असी इस गल का निर्णय करके जनू निर्णय करने के समझते हो तोड़िया जेड़े थोड़िया दलील थोड़े तर्क ने जेड़े उन्होंने थोड़ा होर पॉलिश करने असी एक प्रोग्राम होर करा अज मैनू जेडे माफी दो मैं सिर्फ धन्यवाद करा डॉक्टर दलेर सिंह मुल्तानी साहब नरेंद्र सिंह संधु साहब महेश शर्मा जी राजीव कतना जी और परमजीत सिंह सोनी साहब तुसी आए तुसी अपनी गल करी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दर्शक थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा